गणपति बाप्पा मोरिया, पुचकू पुचकू होरिया, गणपति बाप्पा मोरिया, पुचकू पुचकू होरिया। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। तो दोस्तों अभी मैं उठ चुकी हूँ और पुचकू ये देख सकते हैं। तो दोस्तों पुचकू भी पीछे से लेटा हुआ है, पुचकू भी उठ चुका है और आज जो है गणेश उत्सव है। तो आप सभी को गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे परिवार की तरफ से। तो आज क्या क्या प्रोग्राम होने वाला है हमारी कॉलोनी में ही, तो मैं आपको दिखाऊंगी। वैसे मैं नीचे तो नहीं जाऊंगी, लेकिन ऊपर मेरी बालकनी से अगर मुझे दिख जाए तो मैं वीडियो शूट करूंगी। और अगर वीडियो में अच्छा आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना और ऐसी गणेश उत्सव हमेशा मनाते रहना परिवार के साथ। हाँ कह रहा है पुचकू भी। Let's go!
चुरा के आ गया है अपने गणपति बप्पा के मुंह। चलो बाहर देखेंगे, आ जाओ, बाहर प्रोग्राम हो रहा है। तो चले गए सब। मैं लगाती हूँ उसका टिक्का। जय बोलो, जय जय बोलो। तो दोस्तों अब हमारी हो रही है खाने की तैयारी। तो यहाँ पर जो है भोग मिल रहा है हम लोग को। तो अभी हम लोग मंदिर का प्रसाद ले लेते हैं और प्रसाद में देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग प्रकार के व्यंजन बने हुए हैं, सूखी सब्जी, तरी वाली सब्जी, खिचड़ी, तो और मीठे में हलवा भी बना हुआ है, तो काफ़ी अच्छा है। और वैसे ना मुझे ना मंदिर का प्रसाद काफ़ी टेस्टी लगता है और मैं जब भी प्रसाद बनता है मैं सबसे पहले चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे घर से ज़्यादा मंदिर का प्रसाद काफ़ी अच्छा लगता है और इतना स्वादिष्ट लगता है ना वो। तो अभी हमने पूरी फैमिली ने प्रसाद ग्रहण कर लिया है और अब हम लोग जो है नेक्स्ट विजिट करने वाले हैं। हम दूसरे जो है मंदिर में गए हैं। ये जो है मंदिर जो है हाईवे पे है और यहाँ पर जो है गणेश की मूर्ति स्थापित हुई है। यहाँ भी देख सकते हैं कितनी अच्छी प्यारी सी गणेश जी की मूर्ति स्थापित हुई है। और आप देख सकते हैं पुचकू को भी जो है हम लोगों ने सारी जो गणेश जी की मूर्ति थी उसके आगे से इसको बैठा रखा है और इसकी मस्ती देखना आप, इतनी शैतानी कर रहा था यहाँ पर भी बैठ के। और जितने लोग आ रहे थे उनके साथ ही हमेशा खुश हो रहा था और उनके साथ स्माइल ही मार रहा था ये, तो मज़ा आ रहा था इसको। ये इसको तो चाहिए बस मुझे कहीं भी बाहर घूमने लेके जाए, बस जहाँ हम लोग जाएंगे हमसे ज़्यादा ना ये खुश हो जाता है बाहर जाने के लिए। घर पे तो उतना गिन गिन करने रहता है लेकिन घर जाके जो है काफ़ी खुश हो जाते हैं। और आप देख सकते हैं बाहर का जो लोकेशन है वो काफ़ी सुंदर है और ये मेन हाईवे पे है और कितना अच्छा लग रहा है ना। इसकी जो बाहर की जो बनावट है वो काफ़ी सुंदर बनाई गई है और मतलब ना यहाँ के लोग जो हैं बस 10-15 मिनट या 2-3 घंटे में पूरा डेकोरेशन कर देते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ, मतलब मेन हाईवे पे भी, मेन रोड के किनारे पे भी देख सकते हैं आप कितने अच्छे तरीके से सजाया गया है ये मंडप को। आप देख सकते हैं चारों तरफ से फूल ही फूल, और ये जो है ओरिजिनल फ्लावर नहीं है, ये जो है प्लास्टिक के फ्लावर, लेकिन काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और मुझे ना ये इतना सुंदर लगा ना, बाहर से इतना सुंदर लग रहा, तो मेरा जो डायलॉग है वो मैं मारती हूँ, मुझे ना ये बाहर से इतना सुंदर लग रहा तो अंदर से कितना सुंदर लगेगा। तो दोस्तों मैंने पुचकू की कुछ पिक्चर्स क्लिक करी हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ। गणपति पप्पा मोरिया, मेरा छुटकू पुचकू मोरिया। तो देख सकते हैं आप मैंने कुछ तस्वीरें ले रखी है और मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स ज़रूर करना। जितना आप कमेंट्स करोगे मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं घर और काफ़ी थकान हो गई है। मंदिरों के दर्शन किए, गणेश जी के दर्शन किए, पुचकू ने भी दर्शन किए। पुचकू की ना थोड़ा सा तबीयत ठीक भी नहीं हो रही है, तो दोस्तों फिर भी हम लोग भगवान जी के दर्शन करने गए थे। पुचकू ने थोड़ा सा आरती भी करी, पुचकू को ना वहाँ बहुत लोगों ने पकड़ दिया था, है ना पुचकी, है ना। जय जय कैसे करा आपने। चलो दोस्तों को आप ब्लॉग को एंड करते हैं, बोलो। तो दोस्तों अब हम ब्लॉग को एंड करते हैं। आशा करते हैं सभी ने गणेश उत्सव का खूब मज़ा लिया होगा अपनी अपनी जगहों पर, और हम लोगों ने भी मज़ा लिया, खूब मज़े किया हम लोगों ने भी और प्रसाद ग्रहण किया हम लोगों ने भी। दोस्तों पुचकू का पहला गणेश उत्सव है ये और काफ़ी अच्छा रहा, कितने मज़े किए उसने भी। हाँ तो दोस्तों आप अपने ब्लॉग को एंड करते हैं। आशा करते हैं सभी ने मेरा ब्लॉग देखा होगा। अगर ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम आपसे मिलेंगे एक अच्छे से चटपटे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए
बाय बाय।